तो आज अपन बात करने वाले हैं अलकायदा संगठन के बारे में, सोवियत युद्ध के बारे में और अफगान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था उसके बारे में। तीन चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं अफगान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, ठीक है। वर्ष 1979 की बात है, अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। किन किन के मध्य छिड़ा हुआ था? अफगानिस्तानी सरकार और अफगानिस्तानी लोगों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे सैयद मोहम्मद नजीबुल्ला, और वहां पर एक लोकल लोगों का गुट बना हुआ था जिसे मुजाहिदीन कहा गया। तो वहां पर मुजाहिदीनों का गुट बना हुआ था और सैयद मोहम्मद नजीबुल्ला की सरकार हुआ करती थी। दोनों के मध्य गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। मुजाहिदीन की बात की जाए तो मुजाहिदीन के अंदर पश्तून, उज्बेक, ताजिक और शिया धर्म के मुस्लिम लोग हुआ करते थे। ये जातियां थी जो क्या कर रही थी, मुजाहिदीन संगठन के अंदर शामिल थी, ठीक है। उन्हीं लोगों के संगठन को मुजाहिदीन नाम से बुलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो गुट बन गए, एक तरफ तो अफगानिस्तानी सरकार और दूसरी तरफ मुजाहिदीन। बीच में ही यूएसएसआर कूद पड़ता है और सोवियत संघ बीच में ही कूद पड़ता है। इस युद्ध के बीच में अफगानिस्तान में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था इसमें सोवियत संघ अब कूद पड़ता है और वहां की जो सरकार थी, अफगानिस्तानी सरकार थी, उसका साथ देता है सोवियत संघ और उन्हें सेना देता है। सेना की दृष्टि से क्या करते हैं, वो सुरक्षा देते हैं, सेना भेजते हैं यूएसएसआर के लोग, ठीक है। यूएसएसआर के राष्ट्रपति हुआ करते थे लियोनिड ब्रेजनेव। 1979 में वहां के राष्ट्रपति थे लियोनिड ब्रेजनेव। तो लियोनिड ब्रेजनेव यूएसएसआर से सेना भेजते हैं अफगानिस्तानी सरकार की सुरक्षा के लिए, क्यों? क्योंकि बार बार मुजाहिदीन हमला कर रहे थे। जब सेना यूएसएसआर की वहां पहुंचती है और काबुल पर कब्जा कर लेती है, जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद कमजोर पड़ जाते हैं मुजाहिदीन। और जब मुजाहिदीन कमजोर पड़ जाते हैं, यूएसएसआर काबुल पर कब्जा कर लेता है, तो उसके बाद में चिढ़ जाता है अमेरिका और अमेरिका भी इस गेम में, इस खेल में कूद पड़ता है। और इस खेल में जब अमेरिका कूदता है तो अमेरिका मुजाहिदीनों का साथ देता है। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर और अमेरिका की झगड़ा जो है, अमेरिका का और यूएसएसआर का झगड़ा हमेशा से चलता रहा है। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद से ही इनका झगड़ा शुरू हो गया था। तो इसी कारण जब यूएसएसआर जिसका साथ देगा तो उसके विरुद्ध में अमेरिका खड़ा हो जाएगा, और जिसका साथ अमेरिका देगा उसके विरुद्ध में यूएसएसआर खड़ा हो जाएगा। तो ये झगड़ा इनका चलता रहता है, ठीक है। तो वहां पर दो गुट बन जाते हैं, एक तरफ अफगानिस्तानी सरकार जिसका साथ दे रहे थे यूएसएसआर, सोवियत संघ साथ दे रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ मुजाहिदीन, लोकल लोग वहां के, तो उनका साथ दे रहे थे अमेरिका के लोग, ठीक है। अमेरिका की सरकार उसका साथ दे रही थी। तो यहाँ पर दो गुट बन गए, मुजाहिदीन कमजोर पड़ गए थे उस समय, ठीक है। और जब कमजोर पड़ जाते हैं तो अमेरिका बीच में ही कूद पड़ता है, 1979 की बात है, कूद पड़ता है और मुजाहिदीनों को क्या करता है, हथियार देता है, हथियार मुहैया करवाता है और उनको ट्रेनिंग दिलवाता है। चीन और पाकिस्तान की सेना के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है मुजाहिदीनों को। और हथियार के लिए पैसे कौन कौन देते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएसएसआर के जो भी विरोधी देश हुआ करते थे उस समय, वो सब क्या करते हैं, हथियार देते हैं मुजाहिदीनों को। और फिर इन लोगों के बीच में चलता है झगड़ा, एक तरफ यूएसएसआर की सेना और दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा ट्रेंड किए गए मुजाहिदीन। तो इन दोनों के मध्य झगड़ा चलता है, लगभग 9 साल तक इनके बीच में झगड़ा चला और 9 साल के बाद में यूएसएसआर पीछे हट जाता है, यूएसएसआर पीछे हटने लग जाता है। और रिजल्ट यह निकलता है, निष्कर्ष यह निकलता है कि यूएसएसआर ने जिस राष्ट्रपति का साथ दिया था, जिस सरकार का साथ दिया था, वह सरकार क्या होती है, 1992 के अंदर समाप्त हो जाती है, अपदस्थ कर दिया जाता है उस सरकार को, सैयद मोहम्मद नजीबुल्ला को उतार दिया जाता है पद से। और उसके बाद में किसको बिठाया जाता है, तो उसके बाद में बिठा दिया जाता है बुरहानुद्दीन रब्बानी, बुरहानुद्दीन रब्बानी को उसके बाद में बिठाया जाता है। और इन दोनों के मध्य ये झगड़ा समाप्त हो जाता है 1992 में। समाप्त तो 1989 में ही हो गया था, क्यों? क्योंकि 1989 में यूएसएसआर अपनी सेना वापस ले गया था, लेकिन जो अफगानिस्तान का गृह युद्ध था, जो पर्सनल जो उनकी लड़ाई थी सरकार के विरुद्ध और मुजाहिदीनों के बीच, तो वह लड़ाई 1992 में समाप्त होती है। सैयद मोहम्मद नजीबुल्ला को पद से उतार दिया जाता है और किसको बिठा दिया जाता है, बुरहानुद्दीन रब्बानी को वहां पर पद पे बिठा दिया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है, ठीक है। तो यह था यूएसएसआर और अमेरिका का झगड़ा, बीच में अफगानिस्तान भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह झगड़ा चलता रहता है। अब बात करते हैं कि यह जो युद्ध हुआ, 9 साल तक लगभग यह युद्ध चलता है, तो 9 साल में क्या क्या हुआ, तो 10 लाख लोग तो मारे गए, 15,000 यूएसएसआर के सैनिक मारे गए और लोग देश छोड़कर जाने लगे,
तो ठीक है, तो यह इसका रिजल्ट निकलता है, 10,00,000 लोग मारे गए, 15,000 USSR के सैनिक मारे गए। अब बात करते हैं अलकायदा संगठन की, तो अलकायदा शब्द का बात करें तो यह एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुनियाद। ठीक है, अलकायदा एक उग्रवादी संगठन है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। अलकायदा संगठन की स्थापना ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम, दो व्यक्तियों का नाम देखने को मिलता है, ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है वर्ष 1988 में। तो इसकी स्थापना 1988 में कौन करता है? ओसामा बिन लादेन और अब्दुल्ला आजम। और यह सुन्नी धर्म में विश्वास रखता है अलकायदा संगठन, और इसके दो प्रमुख लीडर रहे हैं अब तक वर्ष 2022 तक। पहले ओसामा बिन लादेन इसके लीडर हुआ करते थे, और उसके बाद में अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन के पर्सनल डॉक्टर हुआ करते थे। कुछ आतंकवाद पर रिसर्च करने वाले लोग यह भी बताते हैं कि जब 1988 में ओसामा बिन लादेन ने यह संगठन बनाया था, उस समय ही अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। कारण ये था कि उन्हें ओसामा बिन लादेन 1988 में ही अपनी मौत की तैयारी कर लेते हैं, अब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते हैं। बात करते हैं अलकायदा के द्वारा किए गए कुछ हमले। अलकायदा के द्वारा बहुत से हमले किए गए, जिनमें प्रमुख हमले अपन पढ़ेंगे। ठीक है, 1992 में यमन की दो होटलों में हमले किए गए थे, दो बम धमाके किए गए थे यमन की दो होटलों में। एक होटल का नाम था मोवेनपिक और दूसरी होटल का नाम था गोल्ड मोहर। मोवेनपिक और गोल्ड मोहर ये दो होटलें थी जहां पर बम का धमाका किया जाता है, ये दोनों होटलें यमन में थी। 1992 में यह हमला किया जाता है। बात करें 1993 की, तो 1993 में अमेरिका में हमला होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, और यहाँ पर बम धमाका जो किया जाता है जिसमें 6 सैनिक मारे गए थे। फिर बात करें 2001 में, तो 2001 में फिर से अमेरिका में हमला किया जाता है, और इस हमले के बाद अमेरिका भी बहुत चौकन्ना हो जाता है और इस संगठन के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जिस संगठन को तैयार करने के लिए, जिन मुजाहिदीनों को तैयार करने के लिए अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान से ट्रेनिंग दिलवाई थी, जिस मुजाहिदीनों को तैयार करने के लिए अमेरिका ने हथियार मुहैया करवाए थे, वही संगठन आज बना करके 1988 में जो संगठन बना करके वो लोग अमेरिका पर भी हमला कर देते हैं। और अमेरिका में 2001 में जो हमला हुआ, इसे अपन कह सकते हैं अमेरिका का काला दिन, इसे अमेरिका का काला दिन भी अपन कह सकते हैं। और इसी 2001 में जो हमला होता है, इसे 9/11 के नाम से जाना जाता है, और यह दो जगह पर किया जाता है, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया। दो जगह पड़ती है, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया, इन दोनों जगहों पर हमला किया जाता है जिसमें 3,000 लोग मारे जाते हैं। और इसका बदला अमेरिका किस तरीके से लेता है? जो भी लीडर बनता है अलकायदा संगठन के, ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, और किसको मार गिराया? 2022 में अल जवाहिरी को मार गिराया, और बदला अपना लेता है। अमेरिका भी कम नहीं था। ठीक है, तो 2 मई 2011 का वह दिन था जिस दिन पहली बार अमेरिका ने अपना बदला लिया पाकिस्तान के एबटाबाद में। पाकिस्तान में पड़ता है एबटाबाद, वहां पर लादेन को मार गिराया। और बात करें 2022 में, तो 2022 में अफगानिस्तान के अंदर अल जवाहिरी मारा जाता है। तो ये दो प्रमुख नेता वहां के थे जिनको मार गिराया जाता है। बात हो रही है 2001 की। ठीक है, 2001 में अमेरिका में हमला हुआ पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में, 3,000 लोग मारे गए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 2005 की। तो 2005 में दो जगह पर हमला किया जाता है। पहला हमला स्पेन के मेड्रिड शहर में किया जाता है, एक ट्रेन में, जिसमें 191 लोग मारे गए और 1800 लोग घायल हो गए थे। फिर 2005 में ही लंदन में 3 ट्रेनों पर हमला किया जाता है, दो ट्रेन थी और एक बस थी, तो 3 ट्रेनों पर हमला किया जाता है, 52 लोग मारे गए और 700 लोग घायल हो गए थे। तो ये था पूरा का पूरा संगठन, अफगानिस्तान का गृह युद्ध और रूस का, यूएसएसआर का जो सोवियत युद्ध है, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली। यह थी वो कहानी जो पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, और यही वो कहानी है जो अफगानिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था वो आज भी चलता हमें दिखाई देता है। तो धन्यवाद दोस्तों।